अब मेरी बात ध्यान से सुन। बोला। समझ गए? बापती जी। भाई साहब, मेरी एक पांच छह आखिरी इच्छा है, पूरी करेंगे प्लीज। और मजाक बंद करो। तुम लोगों को किडनैप किया गया, कोई पार्टी करने नहीं जा रहे। ये ट्रक कहाँ जा रहा है? सर, ये ट्रक कहीं वहीं तो नहीं जा रहा है। Oh my God. ओए चलो उतरो, हमें जहाँ जाना था वो हमारी मंजिल आ चुकी है। चलो। कहाँ लेके आएंगे लोग? अरे पर आंखों पे पट्टी बांध के कैसे उतर सकते हैं भाई? ओए मैं उतारूंगा सबको, चलो एक एक करके अपना हाथ दो। क्या मतलब? अरे तो आपने इनको तो हाथ दे दिया, हम हमारा क्या? एक एक करके उतरेंगे सर। किडनैपर पागल तो नहीं? क्यों सर, ये गोकुलधाम वाले सोढ़ी को किडनैप करता है, फिर गोकुलधाम वालों से पैसे लेता है, फिर उन्हीं को लेकर गोकुलधाम पहुंच जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, फोन नीचे रखो, आराम से आ जाओ। हाँ हाँ, ओके ओके। जंप मार दो। जंप मारनी है? अरे अरे उनको नहीं उतरेंगे, चले बैठो। आ गए। अभी क्या करना है भाई? ओए, जैसे बोलता हूँ चुपचाप चलो। किधर चलो? चलो चलो। अरे मेरा छाता दे दो। किने? मेरा छाता दे दो आप लोग। थैंक यू। अरे भाई साहब हाथ मत छोड़ो। अरे चलो चुपचाप। सोढ़ी को ढूंढने गए थे, खुद खो गए हम। अरे कहाँ लेके आए भाई साहब आप हमको? ओए अभी पता चल जाएगा कहाँ लेके आया हूँ, चुपचाप चलो। अरे चुपचाप जंगल चल रहे। अरे लगता है हमको जंगल में लेके आए। यहाँ झाड़पान है, झाड़पान के बीच में से कहीं लेके जा रहे हैं हमको। अरे हमें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पगथिया आए तो बोलना भाई। चुप कर। अब मैं तीन तक गिनूंगा और उसके बाद तुम अपनी पटिया खोलना। एक, दो, तीन। खोल दिया, खोलना। ये क्या? हमारी सोसाइटी जैसा है कुछ लग रहा है। बबीता जी, दया। अरे अंजलि, अरे अरे बापूजी, सोसाइटी में आ गए। क्या बात है बापूजी? माता जी की कृपा से अब सब आ गए, अब सब ठीक है ना? हाँ हम सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कितना टेंशन हो गया था हम सबको? मौका है, कितने फोन किए आप लोगों को, सबके फोन बंद आ रहे थे। हाँ हाँ, मेरा रोशन किधर है? हाँ मेरे पापा किधर है? तुम सब लोग सोढ़ी को लेने गए थे ना? कहाँ है सोढ़ी? हाँ कहाँ है सोढ़ी भाई? बापू जी उन लोगों ने पैसे तो ले लिए लेकिन हमको सोढ़ी नहीं दिया। हाँ जी,
हमने ही फोन किया था और हमने ही रोशन सिंह सोढ़ी को किडनैप किया था। अरे बाप रे, खबरदार, गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अरे सिम, ये तो तीन है, अरेस्ट देम। लाठियों का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये पिस्तौल है। ए, हैंड्स अप! तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। ए, ब्लू वाले पाजी, मिलता क्या है? अच्छा, मेरे मना करने के बावजूद आप लोगों ने पुलिस को फोन किया? हमने नहीं किया था। अरे ये लोग क्या पुलिस को फोन करेंगे, डरपोक। मैंने खुद तुम लोगों को ढूंढा है, कानून ने तुम लोगों को ढूंढा है। मतलब आपको पता है सोढ़ी कहाँ है? नहीं, हमें नहीं पता कि सोढ़ी कहाँ है, लेकिन अब पता चल जाएगा कि सोढ़ी कहाँ है। ए, बताओ तुम लोगों ने सोढ़ी को कहाँ छुपा रखा है? पांडे जी। हाँ हाँ बोलो। रोशन भाभी और गोकुल धाम के सभी वासियों से हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमारा इरादा आप लोगों को तकलीफ देने का बिल्कुल भी नहीं था। लो बोलो, पहले हमारे दोस्त सोढ़ी को गायब किया, फिर हमसे 24 लाख रुपए लिए, फिर हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें इतना घुमाया, और अब बोल रहे हैं कि तकलीफ देने का इरादा नहीं था। और ये तपलिक नहीं तोर क्या था? सोचिए, अगर हम सचमुच के खतरनाक किडनैपर होते तो आप लोगों को यहाँ वापस क्यों लाते? ओए ला, लो पाजी। ये लीजिए आपके 24 लाख वापस। ये आपका। बताइए, आपने ये सब क्यों किया? आप लोगों का गुस्सा जायज है, पर एक बार मेरी बात जरूर सुनिए। दरअसल हम लोग रोशन सिंह सोढ़ी के बचपन के दोस्त हैं। दोस्तों के किडनैपिंग करते? आप रोशन सिंह सोढ़ी के दोस्त हो और दोस्त को अगवा कर लिया? दरअसल रोशन सिंह सोढ़ी हमारा जिगरी दोस्त है, हम हर काम साथ में करते थे, खाना पीना सोना, यहाँ तक कि नदी पे जाके नहाते भी थे। गांव में हमारी दोस्ती बड़ी मशहूर थी, यहाँ तक कि लोग हमारी दोस्ती की कस्में खाया करते थे। फिर हम बड़े हुए और रोशन मुंबई आ गया, हमने सोचा कि वो वहाँ हमारे बिना नहीं रह पाएगा और वापस आ जाएगा। हमने बहुत इंतजार किया पर रोशन कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे रोशन यहीं का हो गया। गांव के लोग कहते थे कि रोशन मुंबई जाके बदल गया है। ओ भाई, तुम तो बहुत दुहाइयां देते थे दोस्ती की, ओए अब कहां गया तुम्हारा रोशन सिंह सोढ़ी? हैं, ओए पंजाब के दोस्तों की जगह मुंबई के दोस्तों ने ले ली।
ओए पंजाब की मिट्टी की खुशबू और हम जैसे दोस्तों को रोशन सिंह सोढ़ी कभी नहीं भूल सकता। ओए अगर ऐसा है तो एक बात बता, ओए अब क्यों नहीं आता तुम्हारा रोशन सिंह सोढ़ी हैं? वो अब क्यों नहीं करता तुम्हारे साथ पार्टियां शाटियां? गल्ला मारता है। ओए रजिंदर बात ये नहीं है। ओ पाजी बात तो ये सच्ची कह रहा है। वो ऐसा क्या है मुंबई में जो हमारे पंजाब में नहीं है? गोकुलधाम सोसाइटी। क्या गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ। ओ यारा मैं जब भी रोशन सिंह सोढ़ी को फोन करता हूँ ना वो गोकुलधाम सोसाइटी के ही गुण गाया करता है। कहता है वहाँ जेठालाल जैसा दोस्त है, वो भीड़े जैसा टीचर है, जिसके हाथ में गोगी का फ्यूचर सेफ है, हाथी जैसा डॉक्टर है, वो अय्यर जैसा साइंटिस्ट है, मेहता साहब जैसा अच्छा लेखक है और पोपटलाल जैसा अच्छा पत्रकार है। बहनों से बढ़कर भाभियां हैं, सर पे चंपक चाचा जैसे बुजुर्ग का हाथ है और गोगी को टप्पू सेना का साथ है। ओ यारा उन सबके बीच में दोस्ती इतनी गहरी है कि वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। ओ यारा वो कहता है ऐसी सोसाइटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और क्या चाहिए जीने के लिए। ओ पाजी हमारा रोशन सिंह सोढ़ी पगला तो नहीं गया? इतनी तारीफ तो उसने आज तक हमारी भी नहीं की। हाँ पाजी। ओए जस्सी तू सही कह रहा है, अब मुंबई जाके रोशन सिंह सोढ़ी की खबर लेनी ही पड़ेगी। तो हमने तय किया क्यों ना आप लोगों की एक दिन परीक्षा ली जाए, ताकि पता चले कि जैसे रोशन कहता है आप लोग वैसे हैं कि नहीं। हे भगवान। और इसलिए रोशन सिंह सोढ़ी को किडनैप करने का प्लान बनाया और आप लोगों से 24 लाख की मांग की, और मानना पड़ेगा आप लोग हर परीक्षा में पास हुए। रातों रात 24 लाख का इंतजाम किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर सोढ़ी को छुड़ाने आए। आप लोगों का यही प्यार देख के पता चला कि सही मायने में दोस्ती क्या है। जी की मेहरबानी से मेरा रोशन सेफ है। पांडे जी अगर आपको अब भी लगता है कि हमने कोई गुनाह किया है तो हम सजा के लिए तैयार हैं। गिरफ्तार कर लीजिए हमें। गिरफ्तार तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। तुम लोगों की दोस्ती के एग्जाम ने हमें दौड़ा दौड़ा के पूरा थका दिया है। कल रात से अपने घर भी नहीं गया। बोलो पांडे सर प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए ना सर। आपने क्या कभी अपने दोस्त के साथ ऐसी शरारत नहीं की है? दया बहन आपने दोस्ती की याद दिलाकर मुझे इमोशनल कर दिया। आपको पता है बचपन में जब हम चोर पुलिस खेलते थे तो सारे दोस्त मुझे क्या कहकर बुलाते थे? हे चालू इंस्पेक्टर, हे चालू इंस्पेक्टर। आज मैं दोस्तों की वजह से इंस्पेक्टर चालू पांडे बन गया। आज मैं दोस्ती के नाते इन लोगों को माफ कर दे रहा हूं। आइंदा आप लोगों ने ऐसी फिर से गलती की तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो हम खास सरकार का पैसा वेस्ट किया। सरकार का पैसा? अरे वो डीजल में जो वेस्ट हुआ ना, इन लोगों को ढूंढने के चक्कर में घूम घूम के मेरा सर घुमा दिया। जब यही गोकुल धाम में आना था तो पहले ही बता देते, हम डायरेक्ट यहाँ आ जाते। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो कब से। अब इंस्पेक्टर जी सर हमारी लाठियां तो देते जाइए। ओ भाई दे दो इनका लाठी बैठे। थैंक यू सर। चलो चला। इनकी दोस्ती आपका प्यार वापस मिल गया नहीं? अरे नटू काका बका जरा यहाँ ना। हाँ हाँ आइए नटू काका। ये 24 लाख रुपए निमिचंद भाई को अभी के अभी आप संभाल के दे कर आइए। जी भिड़े भाई ये ब्रीफकेस आपको चाहिए। ब्रीफकेस का मैं क्या करूंगा बागा, इसमें अचार और पापड़ की डिलीवरी भी नहीं कर सकता। तो दो भाई दो। लाइए लाइए दो। थैंक यू।
लाइए ना टुका का, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है बेटा। नहीं नहीं लाइए ना, ये ब्रीफकेस आप ले लीजिए। अच्छा अच्छा लाइए। चलो चलो आराम से, आराम से संभाल बेटा। थैंक यू जेठा जी सो मच कि आपने इतने कम समय में इतने सारे पैसे का इंतजाम कर लिया था। हाँ। अरे नहीं नहीं उसमें क्या मतलब मेरा फर्ज है। अरे भाई ये तो बताओ कि हमारा सोडी कहाँ है। सोडी किधर है? ओ सोडी कहाँ है ये तो रब भी जाने। सोडी भाई तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ दया भाभी यहाँ कहीं तो सोडी भाई नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो सब नजरों का खेल है, सब कुछ सामने होता है पर हम देख नहीं पाते। आंखें बंद करो और वाहेगुरु जी का नाम लो, सब साफ साफ दिखने लगेगा। चिंता छोड़ दो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रोशन पापा जी, रोशन पापा छोटी 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 भाई छोटी
इससे गले मत मिल, सबसे बड़ा बदमाश है, बहुत परेशान किया हमको। ओ सुनीता, अरे शेरा उन बेगलेता और अपने गोकुल नाम वालों को आए ना मुझे लेने के लिए। मानना पड़ेगा सुटीपरा, और तेरे को पहले ही कहता मान जाता पहले तो बात बन जाती, बाबा जी की कृपा से मेरी गोकुल नाम सोसाइटी ऐसी ही है। चेटा करें तो पापा के वो आनंद आ गया भाई जी की कृपा से। कहते हैं ना जाको राखे साईया मार सके न कोई, हमारा सोढ़ी ईश्वर की कृपा से फिर से लौट आया है, वही जोशीला सोढ़ी। भाई कहने को तो एक दिन के लिए गायब हुआ था लेकिन लगता है जैसे एक साल के लिए गायब हुआ। लोग कहते हैं कि दुनिया में हर शिप डूब जाता है लेकिन फ्रेंडशिप, भाई फ्रेंडशिप का जहाज तो कभी नहीं डूबता। जैसे हम किडनैपर समझ रहे थे वो सोढ़ी के दोस्त निकले, मजाक किया था उन्होंने। लेकिन बच्चों 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 में आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ भाई, मजाक जरूर कीजिए लेकिन ऐसा मजाक मत कीजिए जिससे दोस्तों पर, दोस्तों के परिवार पे या समाज पे बुरा प्रभाव पड़े या कोई कठिनाई में आ जाए, टेंशन में आ जाए। लेकिन अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखेंगे तो टेंशन किस बात का, ईश्वर की कृपा हम पे इसी तरह बनी रहे और आप यूं ही देखते रहे, हम सब पे ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।